अलीगढ़ और संभल के बाद अब हाथरस में भी सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आपको बता दें कि सिकंदरा राव क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नमाज पढ़े जाने का विरोध करते हुए सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी। कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के बाहर सड़क पर एक घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने साथ ही ऐलान किया है कि अब तक हर मंगलवार को सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा, जब तक सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम हमारा विशेष रूप से हनुमान चालीसा का और महाआरती का कार्यक्रम हमने इसलिए किया है कि जो लोग मस्जिदों को छोड़कर रोड पर आकर नमाज पढ़ने का काम करते हैं, अगर ये बंद नहीं हुई तो हम भी इसी तरीके से रोड पर ही हनुमान चालीसा का कार्यक्रम ये हर हफ्ते किया करेंगे, हर मंगलवार को किया। कहाँ पर आपने ये कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम हमने त्राहा बाजार हनुमान मंदिर स्थित हनुमान मंदिर पर किया है। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है? जी, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। ये कोई पहला मामला नहीं है सड़क पर नमाज का विरोध देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार संभल में सड़क पर हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।